हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबी और मैं आज से ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हूँ। तो प्लीज़ हमारे मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज मैं आप लोगों के साथ में डिनर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा बेटा है जो पीछे से रो रहा है क्योंकि इसे मोबाइल चाहिए, लेकिन मम्मा अभी शूटिंग करने में व्यस्त है। मम्मा देगी मोबाइल, स्माइल करके ठीक है। मैं हाँ ठीक है तो कुछ बोलो। हाय 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 हाय, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू रूबीज वर्ल्ड। हाँ तो मेरा ब्लॉग है इंडियन व्लॉगर रूबीज वर्ल्ड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के सामने डोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज रात को मैं डिनर में तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ डोसा की रेसिपी। इसके लिए मैंने दो ग्लास डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने दो गिलास चावल लिया था। ये चावल मैं रोज़ के खाने वाला चावल है, कोई अलग से चावल नहीं है। वो मैंने दो गिलास राइस के साथ में एक गिलास उड़द की दाल ली थी। दोनों को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच मेथी का दाना डालूंगी। इसे ये फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जब आप डोसा बनाओगे ना तो काफ़ी क्रिस्पी डोसा निकलेगा ये, और ना कलर भी एकदम रेड जैसे बाहर रेस्टोरेंट में आप खाते हो ना वैसा डोसा बन के आएगा ये। तो इसको हमें अच्छे से धो लेना है, काफ़ी अच्छे से धो के उसको रात भर भिगो के छोड़ देना है। ये हमने रात भर भिगोया, ये सुबह में देखिए इसको मैंने वापस से अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद मैं इसे मिक्सी में डाल के पीसूँगी, अच्छे से ग्राइंड करना है। मिक्सी में डाल के आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिए। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मैंने लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के पीसूंगी। एक एटलीस्ट 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना पड़ता है। ये देखिए मैंने पीस लिया है। इसको अच्छे से हाथ से मिलाना है, ऐसा ना सोचे कि हाथ से मिलाने से ये अनहाइजीनिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हैंड वॉश करके ही इसे मैं किचन में आती हूँ, तो इसे अच्छे से हाथ से मिलाना है ताकि ये फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है हाथ से मिलाना। तो ये मैंने हाथ से मिलाया है। हाथ से मिला के मैं इसको एक पतीले में डाल के रख दूँगी। ये मैंने पतीले में डाल के आप देख रहे हैं, मैं इसे पतीले में डाल के ढक करके रख दूँगी। और ये देखिए मैंने ढक दिया, और ये देखिए फर्मेंटेशन होने के बाद में ऐसा दिखता है। ये देखिए ये मैंने छोड़ दिया था, आज बल्कि धूप भी नहीं थी यहाँ पे, ये फिर भी क्योंकि मैंने मेथी का दाना डाला था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला तो भी ऐसा होगा। अब ये मैं मसाला डोसा बनाने के लिए यहाँ पर ली हूँ प्याज, एक प्याज लंबे लंबे काटे हैं, उड़द की दाल, लहसुन, चने की दाल, कड़ी पत्ता और दो मिर्ची, और ये मैं सब कुछ एक साथ धीरे धीरे, जैसे पहले सरसों दाना मतलब मस्टर्ड सीड, फिर कड़ी पत्ता और चने की दाल, उड़द की दाल सब डाल के मैंने यहाँ पे प्याज डाला है। प्याज डाल के इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता है, हल्का सा इसको तब गर्म कर लाइक हल्का सा ब्राउनिश होने तक ही हमें इसमें इसको भूनना होता है। ये मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके कर रही हूँ रिकॉर्ड, इसके इधर उधर हो जा रहा है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा बेयर करिएगा।
मैं ट्राई करूँगी इसको नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करने का अपने ब्लॉग में। ये देखिए मैंने इनको उसको भून लिया है, करीब एक से दो मिनट तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर इसमें देखिए मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से, इसमें नमक डाले अपने स्वाद के अनुसार, मैंने नमक डाला अभी यहाँ पे। इसमें ज़्यादा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्दी नमक काफ़ी होता है इसमें, इसमें बस आलू का टेस्ट आना चाहिए। इसमें कड़ी पत्ता और सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड जो है, सरसों का दाना जिसको बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उड़द की दाल और चने की दाल भी, अगर आपके पास मटर है तो आप वो डाल दीजिए, बस मेरे पास मटर नहीं था, आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें, बस मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ आलू का बनाया है इसमें। वो मटर काफ़ी अच्छा लगता है इस मसाले में, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने बस आलू का डाला है, आलू ही डाल के मैंने बनाया है मसाला। तो देखिए आप ये भून चुका है, काफ़ी थोड़े थोड़े प्याज पक गए हैं इसमें। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, देखिए मैंने आलू डाला, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए चलाना होगा इसे। मैंने एक हाथ में उबाल लिया है और एक हाथ में मैं उसको नीचे चला रही हूँ, तो इसलिए कढ़ाई जो है वो इधर से उधर हो के थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे करने में, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ अलग इंतज़ाम करूँगी इसका। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं 2-3 बार रिपीट करती है ऐसे। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ऐसे पूरा, अगर ऐसे भी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा मसाला रेडी हो गया और अब ये मैंने चटनी के लिए था। अब बारी आती है डोसा बनाने की। डोसा का जो बैटर है ना, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको क्या करना है, मैं इसी बैटर से इडली भी बनाती हूँ, सेम बैटर यूज़ करती हूँ, तो डोसा के लिए तो थोड़ा पतला बैटर होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से निकाल लिया है। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए आप, नमक डाल के इसको तो ऐसा पतला होना चाहिए जैसे आराम से वो नीचे से ऊपर से नीचे अगर आप गिराना चाहो तो वो गिरे। और थोड़ा पानी मैंने ऐड किया, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, और आप देखो ये काफ़ी मतलब आराम से नीचे, अगर आप ऊपर से नीचे करके देखो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से नीचे जा रहा है बिना किसी, देखो बैटर ऐसा होना चाहिए डोसा बनाने के लिए। ये अब आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ये नॉनस्टिक तवा है और मैंने गैस ऑन करके, मतलब तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए डोसा बनाने के लिए, अदरवाइज डोसा क्या होगा ना वो चिपक जाएगा। वैसे तो ये नॉनस्टिक तवा है बट फिर भी मतलब तवा काफ़ी अच्छे से गर्म होनी चाहिए डोसा बनाने के लिए। अब देखिए मैंने ऊपर से तेल भी डाला, देखिए ये जो ऊपर का जो वाइट थोड़ा मोटा मोटा लेयर होता है ना, उसको साइड हल्के हल्के हाथों से उसको आप निकाल दीजिए, ऐसे निकाल के हटा दीजिए। ये देखिए कैसा होता है, ये आप अब इसको साइड से निकाल के, वैसे तो नॉनस्टिक में चिपकता नहीं है बट क्रिस्पी डोसा बनाने का मैं बता रही हूँ, ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है एकदम, तो बाहर के जैसे आप खाते हो बाहर वैसा, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। मैंने दूसरे साइड ही पलट के रखा है, अब आप देखिए ये कितना सही डोसा है, मतलब एकदम पतला डोसा से पेपर डोसा टाइप का आप उसको बोल सकते हो, इतना क्रिस्पी बना है ये डोसा। थोड़ा सा मैं अच्छे से पीछे साइड में उसको पका रही हूँ, वापस मैं करती हूँ उसको थोड़ी देर के लिए पकाने रखना है ताकि वो बैक साइड भी अच्छे से पक जाए इसका।
मैंने पलट दिया। अब देखिए आपके सामने ये क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा तैयार है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। देखिए ये है, एक्चुअली ये फर्स्ट डोसा है, तो पहली बार बनाने में थोड़ा टूटता ही है, तो इसलिए साइड से थोड़ा टूट गया, अदरवाइज टूटता नहीं है डोसा। तो मैंने मसाला डोसा भी बनाना है, तो वो मैं मसाला डोसा भी बनाऊंगी। ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया था, ये मेरे बेटे के लिए है और इसके लिए मैंने छोटा ही बनाया था। अब ये मैं मसाला डोसा बनाने जा रही हूँ, ये आप देखो, वो बस आरुष के लिए बनाया था मैंने। और ये मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा, ये मेरे पति देव के लिए है। देखो फिर अच्छे से डालना है और उसको डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। खाएगा बेटा, अरे नमक नहीं डाले लगता, नमक नहीं डालना। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एक मिनट तक आप छोड़ दो इसको तो ये अपने आप बाहर निकल जाता है। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की नहीं होती, नॉन स्टिक में लोहे के तवे में थोड़ा होता है ना वो चिपकने का। ये मैंने मसाला तैयार किया था, उसको अच्छे से पूरी तरह चारों तरफ में फैला देती हूँ। ये देखो ये मैंने अच्छे से फैला दिया है चारों साइड से, और आप देखो ये मस्त डोसा बनके, मसाला डोसा बनके रेडी है। तो अभी तो बाहर ये थोड़ा टूट गया, बट एक्चुअली ये ऐसा है, और ये टूटता नहीं, एक दो डोसा तो टूटता ही है, बट रेसिपीज तो सेम ही है। नेक्स्ट टाइम दो तीन डोसा शुरू में ऐसा होता है, मैं बाकी नहीं था। अब मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ चटनी की रेसिपी। चटनी के लिए मैंने लहसुन अदरक ये सूखी मिर्च एक कटोरी एक बॉल चना की दाल और मैं थोड़ा सा उसमें मूंगफली भी डालती हूँ। सब कुछ मैं एक साथ डाल देती हूँ, उसमें कढ़ाई गर्म है, तेल भी गर्म था, तो इसमें मूंगफली लहसुन मिर्ची और अदरक ये तीनों मैं एक साथ डाल देती हूँ और डाल के मैं इसे फ्राई करती हूँ थोड़ी देर के लिए, दो से तीन मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और मैं चटनी बनाने के लिए चने दाल को धो के नहीं बनाती, मैं पहले इसको भून लेती हूँ चने की दाल को, उसके बाद मैं इसको पानी में डालती हूँ और फिर धोती हूँ इसको, तो इसका एक अलग टेस्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छे भुनी हुई चने की दाल के बनाते, बट मैंने शुरू से ऐसे ही चटनी खाई है। और अगर आप चने दाल को पानी में भिगो के फिर अगर आप उसको भूनोगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, और ये वाले का अलग टेस्ट आता है, मीन्स ये एक सौंधापन में लेके आता है चटनी चटनी में। तो एक बार आप इस तरह से चटनी बना के ट्राई करिएगा, ये काफ़ी टेस्टी होता है। बहुत लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी कि कैसे बनाते हो करके, मैंने अब तक जिसको जिसको दिया सबको ये चटनी काफ़ी पसंद आई है। तो ये है चटनी की रेसिपी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, इसको अच्छे से भून लेना है। बीच बीच में ऐसे चलाते रहना, ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको हाई फ्लेम में ही आप भूजो भूनो, मतलब लो फ्लेम में भूनने की जरूरत नहीं है, हाई फ्लेम में ही इसको भूना जाता है। अच्छा ये देखो ये फ्राई हो गया, अब मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया। अब इसमें आप ठंडा पानी डाल दो ताकि ये जल्दी, तो मैं मेरे पास मटका है तो मैंने मटके का पानी वहीं पे यूज़ किया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये वाले को इसको मैं एक बार धो के वापस इसमें पानी डालूँगी, और ये मैं पीसने के लिए मिक्सी में मैंने डाला है पानी अच्छे से डाल के। मैं नमक बाद में ऐड करती हूँ, जैसे मिक्स मैं अभी नमक नहीं ऐड करती, मैं बाद में नमक ऐड करती हूँ। ये मैंने देखो मैंने पीस लिया है, पीसने के में अभी थोड़ा और पानी चाहिए, उसमें काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस दूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, अब ये चटनी बनके
रेडी है। इसमें अब मैं तड़का लगाऊंगी, नमक डालूंगी। तो ये मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप देखो। और फिर मैं थोड़ा नींबू डालूंगी, इससे अलग टेस्ट आता है नींबू से। इमली मैंने भिगोया नहीं था, मेरे पास इमली नहीं थी, तो मैं नींबू डाल देती हूँ। मुझे मतलब नींबू का फ्लेवर भी अच्छा आता है इसके टेस्ट में, नमक नींबू, नींबू कुछ खट्टापन होना चाहिए। तो अब मैं इसमें तड़का डालूंगी। तड़का डालने के लिए मैं सरसों, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च, ये मैं तीन चीज़ का तड़का डालती हूँ। तो अच्छा सरसों का थोड़ा कड़क हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च, दो सूखी मिर्च मैंने तोड़ के डाल दिया है। और अब ये रहा, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद में इसके ऊपर चटनी में तड़का में चने की दाल की चटनी के ऊपर ये तड़का डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये तड़का बनाते हैं, चटनी इसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो टेस्ट एकदम ही ख़राब हो जाता है चटनी का। तो आप क्या करो, पहले तड़का बना लो, उसके बाद आप इसमें चटनी के ऊपर ये तड़का डालो, और उसके बाद ये काफ़ी टेस्टी ये चटनी बन के तैयार होती है। मैंने ये डाल दिया उसमें। तो ये है मेरी चटनी की रेसिपी जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। आप कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को, और अगर मुझ में कुछ सुधार करना हो तो बताइए। देखिए ये है मेरा डोसा और चटनी, और बाकी के मैंने इडली बनाए थे क्योंकि हर रोज़ डोसा नहीं खाया, तो वापस मुझे इडली बनानी पड़ी। और उसके बाद हम लोग निकल गए वॉक पे, रात में कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान है, एक दो लोग ही दिखते हैं। तो हम लोग निकले थे क्योंकि आरोप बहुत तंग कर रहा था। थैंक यू। Slow, slow, slow.